बिल्कुल ऐसा ही। बड़ी रूहानी ताकतें हैं। अच्छा ऐसे लोग कह रहे हैं टल जाओ। अच्छा सर तू भी टल जा। मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूं, समझते कि पसंद भी करते हैं खान साहब। सुन मैं समझना वा कि खान दे नाल रूहानी ताकतों के अलावा मुस्लिम जिन्नात भी ने। अच्छा मैंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, ओवरसीज पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के हर मजहब रंग और नस्ल वाले लोग भी अब खान को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको मानते हैं कि ये मानदार दयानदार शख्स है। पाकिस्तान के ये बिलावल मुझे अच्छा लगा, सलवार कमीज में गया, हालांकि ये अच्छा लगा, ड्रेसिंग तो उनकी पैंट कोट तो खान को अपना रहे हैं सारे, खान को मान रहे हैं सारे। अच्छा देखा जाए हूँ वड्डी गल नहीं करांगा मैं, सलवार कमीज की गल नहीं करांगा, सानू अदालत जे जाना पैंदा तो सलवार कोट पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, जफर स्पेशलिस्ट भी और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। नाज़रीन आप हमारे प्रोग्राम तसलसल से शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, बब्बर शेरा ने जो प्रेडिक्शंस की हैं आपके सामने हैं वो सारी की सारी बिल्कुल ठीक हुई हैं, बल्कि आज भी मैं कुछ सवाल सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूँ, इमरान खान साहब के हवाले से भी जानेंगे और जो खान साहब जलसे की बात कर रहे हैं वो भी अहम सवाल आज हम ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले इस्लाम दुआ करेंगे। और हाँ वेट करिएगा, आप लोगों के सवाल जो जफर से एम ए शहजाद साहब जवाब देते हैं वो भी लेंगे, इससे पहले करेंगे इस्लाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वैसे आपको ज़्यादातर हमने कोर्ट में देखा है, ड्रेसिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, आज आप शलवार कमीज़ में वेस्ट कोट में किसकी फरमाइश पे पहना? बेटा जाहिर है मैं बात बता देता हूँ कि मैं बचपन से ही अच्छे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ा हूँ, हैप्पी होम कैथलीन ट्रेसलर जी आर के पास था, लाहौर जी आर टू के करीब उधर पढ़ा हूँ, और फिर उसके बाद अशरफ सीनियर कैम्ब्रिज गया, हमने पैंट शर्ट टाई लगाई, यूनिवर्सिटीज में भी मैं इसी तरह ही रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश रहती थी कि यार शलवार कमीज तो पहना करूँ, पहना चाहिए पाकिस्तानी वो कल्चर। तो जुमे को भी मैं पढ़ लेता पहन लेता था, लेकिन कोर्ट्स में भी आप शलवार कमीज पे नहीं जाते, उधर पैंट कोट ही रहा हमेशा, तो संडे को मैं लाजमी शलवार कमीज पे रहता। अच्छा तो आज आप संडे में आए प्रोग्राम करने, और इससे पहले आप संडे में नहीं आए? नहीं आए। तो मुझे अच्छा लगता है, और फिर अच्छा लगता है, एक तो पाकिस्तानी लिबास है, दूसरा ही खान पे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी दुनिया घूमा हुआ है खान, क्या क्या उसकी ड्रेसिंग है खान की, ऐसे ही क्या उसकी पर्सनैलिटी है, वो कोट टाई पैंट, लेकिन उसने पाकिस्तान में शेरवानी को लिया, कोट पैंट को लिया, वो शलवार कमीज को लिया, तो बहुत कम देखा है इमरान खान को पेंट कोट में, ज़्यादातर वो पाकिस्तानी शलवार कमीज़ में इमरान खान साहब पहनते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है खान, बब्बर शेरा है वो। अच्छा सर, फिर इमरान खान के सवाल भी आज मैं लेकर आया हूँ। अभी तो हिंदुस्तान के ये बिलावल, हाँ जी, मुझे अच्छा लगा शलवार कमीज में गया, हालांकि ये अच्छा लगा, ड्रेसिंग तो उनकी पेंट कोट तो खान को अपना रहे हैं सारे, खान को मान रहे हैं सारे। अच्छा देखा जाए, बाकी वो भी शलवार कमीज में गए हैं, देखो ना खान को मान रहे हैं, हालांकि हमारा कौमी लिबास है, लेकिन वो केड़ा बंदा है, कभी वेख्या तुसी इमरान खान नू कोट पहन के वजारत उज़्मा दे विच देखिया? सुनिया शलवार कमीज च रहा, हूँ वड्डी गल नहीं करांगा मैं, शलवार कमीज की गल नहीं करांगा, सानू अदालत जे जाना पैंदा तो शलवार कोट पैंट मैनू तो पाना, लेकिन तू आलू पाया करांगा सोनिया जी। जी सर बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, क्वेश्चंस की तरफ मैं आता हूँ अपने, इस टाइम जो बातें की जा रही हैं, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं 5 जलसे करूँगा, 5 जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्या इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, पीटीआई को क्या फ़ायदा है, उससे क्या खान साहब मजबूत होंगे, क्योंकि आपने कहा था 15 फरवरी के बाद इमरान खान सड़कों पे है और मजबूत है, तो अब वो सड़कों पे वो मामला नज़र भी आ रहे हैं, और अब जलसे पे जलसा 5 जलसे क्या देखते हैं बेटा? बात यह है, खान साहब को ये जलसे पहले करने चाहिए थे। अच्छा इलेक्शन अनाउंस है तो जलसे करो, कंपेन करो, पीडीएम करे ना करे तुलसी से करो, और 15 फरवरी के बाद मैंने कहा था खान साहब सड़कों पे होंगे, वो हुए।
हाँ जी देखा। अब खान साहब को किसी तहरीक में नहीं जाना कि तहरीक कटिए ये जलसे कटो। और दूसरी बात पांच तन पाक सुनिया खान नू बड़ा मनदा है उतों तो आया होएगा मेरे अपने हिसाब न मैं नहीं पता खान की उनकी सोच है मेरा माइंड तो उत्थे ही फिट है। अच्छा पंज दूजा पंज 14 अगस्त 1 ते 4 5 बनिया तीजा पंज पाकिस्तान पेका पांच बाती खान तो हुआ ही पाकिस्तान में पैदा है उसकी तो मिट्टी भी पाकिस्तान है वो जड़े रुपये भी बाहर से अभी पाकिस्तान च ही ने सुनिया इत ही ने। तो दूसरी बात पांच जलसे पांच सूबे किन्ने ने मुल्क दे सूबे पांच किड़े ने पंजवा किड़ा है चला जा पांचवा सर नया बन रहा है बात की जड़ी वैसे तो चार है नहीं नहीं जो पंजवे का ना दस और बल्तिस्तान वैसे चार ही ज्यादातर मुमन वो सुने हैं पंज अगों होएगी गल पंज। अच्छा अच्छा अब हम आते हैं पांच जलसे पांच पे आके अब बुध वाले दिन पहला जलसा है आपको पता है बुध को पहला जलसा है बुध का नंबर पांच पांच नंबर है बुध का भी मरकरी ठीक है पांच पांच से पाकिस्तान से शुरू हो गया ना खान अब 11 तारीख को दूसरा जलसा है एक और एक दो अब खान के नंबर बताऊंगा मैं 2-7-9 हमेशा कहा है मैंने मुल्क पाकिस्तान का 5 कहा है और दिन जुम्मा भी मैं दसिया है हमेशा जरा औखा हो जाता है किदे वास्ते दस पीडीएम के लिए नून लीग वास्ते अब पीडीएम भी बीच में तो जाहिर उनके लिए भी औखा ही है। अच्छा अब तीसरा जलसा जुम्मे को है सुनिया लाला मूसा में जुम्मा जुम्मा किसके लिए भारी हमेशा रहा नून के लिए अब पीडीएम बीच में है तो उनके लिए भी भारी और चौथा जलसा गुज्जर खान में है सुनिया 8 और 8 गुज्जर खान 16 एक और सात 7 आ गई 2, 7 और 9 रह गए अब हम दस ने तेन। अच्छा पांचवा जलसा कितने है पांचवा अटक में मरीख नैला आ गया ते खान दा होमवर्क बड़ा कंप्लीट है वाह वाह होमवर्क एक तो इलेक्शंस दे हवाले नाल कैंडिडेट्स दे हवाले नाल एस्ट्रोलॉजी पमिस्ट्री न्यूमरोलॉजी जफर पता नहीं कितों कितों मैं तो हैरान ना कि खान दा इतना मजबूत होमवर्क सर ये और कह रहे हैं टल जाओ खां बहुत आगे निकल गया है तेरी खां तेन पता हमेशा दुखी नैली सत्ती वजदी जुम्मा आंदा है ये नाल बहुत पावर ने मैं समझना वा इसलिए तो नहीं समझते कि पसंद भी करते हैं खान साहब मैं समझना वा कि खां दे नाल रूहानी ताकतां दे अलावा मुस्लिम जिन्नात भी ने अच्छा कह दिता तेन लोगों नु पता ना पता मैं तो समझ आ गई जिन्नात में बल्कि हमने प्रोग्राम भी किया और जिन्नात में मैंने आपको बताया था 11 किस्में लोग 10 कहते हैं मैं 11 कहता हूँ हमजाद भी एक इंसान का अपना होता है अगर आप पॉजिटिव हैं और इबादत में जाएं अच्छे नेक काम करें सोशल्स करें कुछ भी करें तो आपका हमजाद मजबूत होता है ताकत लेता है मैं तो कहता हूँ या खालिकू 531 दफ़ा पढ़ो आप मजबूत होते जाएंगे कोई भी पढ़ सकता है ये अच्छा दूसरी चीज़ पॉजिटिव अब खान तो वैसे ही पॉजिटिव उसकी दयानतदारी पे किस पे शक किसको शक है उसकी जदाद इधर हर चीज इधर उसका मरना जीना उसका इलाज सोनिया वो भी इत्थे ही। तो बात जो थी कि दूसरी मैंने आपको बताया था कि दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात होते थे ये भी मैंने बताया था। उनकी सल्तनत बड़ा कुछ था कबीले भी जाते मजहब भी ये सब को सारा कुछ बताया था जी वो हमने जो प्रोग्राम किया था और ये भी उसमें मैंने बताया था कि सरकश भी हुए जिन्नात तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा और फिर हज़रत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के साथ आए सरकश जिन्नात को मारा भी कैद भी किया और कुछ भाग गए सरकश। अच्छा ये जो खिता है सब कॉन्टिनेंट
इसमें पहले एक और बात बताता चलूं कि मैंने ये भी कहा कि चारों किताबों में जिन्नात का जिक्र, अच्छा ये सब कॉन्टिनेंट में आपको हिंदू जिन भी मिलेंगे, मुस्लिम जिन भी मिलेंगे। तो जो मुस्लिम जिन होते हैं वो शर नहीं पहुँचाते, गैर मजहबी होते हैं, वो शर की तरफ जाते हैं, नेगेटिव अमाल कराते हैं लोगों। तो खान के साथ पॉजिटिव हैं, डेटा में नहीं आ जाती। सर डेट वाकई 2, 7 और 9 से ही रिलेट है। 2, 7, 3 अली जुम्मा आंदा है, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से वही टाइम निकलते हैं 2, 7, 9 बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी रूहानी ताकते हैं। अच्छा ऐसे लोग कह रहे हैं टल जाओ, अच्छा सर तू भी टल जा, मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं कहाँ चला जाऊँ। वो नहीं सुनिया गल्ला कर जाता है विच तैयारी की हुई है, सवाल लेकर आया हूँ वो तो मैं आपसे करता हूँ। अच्छा सर पीटीआई ने चीफ जस्टिस के हक में 4,000 जगहों पर जलसे किए हैं, क्या इससे चीफ जस्टिस साहब मजबूत होंगे मजीद, कि क्योंकि हमने पहली दफा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हक में कोई सियासी पार्टी इस तरह जलसा कर रही है, इस पर सियासी जमातों के तोप के रुख ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर है और मैंने तो ये कहा कि तुसी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की दीवारों से अपने मत्थे मार मार के अपने सर पड़वा लोगे, लबड़ा कुछ नहीं वो एक इट भी नहीं हिल सकते। ऑगस्ट है उत्थे इंसाफ मिलता है और दस्तूर आइन कानून के नाल चलते हैं और जस्टिस साहबान कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जी सर, दस्तूर के मुहाफिज होते हैं जी। आज भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अता बंदियाल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आपने यही बताया कि दस्तूर आइन कानून यही बातें की, बिल्कुल ऐसे ही। ओ बस सुप्रीम कोर्ट मजबूत है उसको कोई नहीं मसला, बताना रियासत की आवाम ने है, रियासत की आवाम बाहर निकली और उन्होंने कहा इस दस्तूर इस आइन के साथ खड़े हैं, किसी को इसके साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अच्छा। और एक रियासत कायम होती है अवाम से, अगर अवाम नहीं तो रियासत नहीं, तो मुल्क पाकिस्तान दी रियासत दी अवाम आइन दे नाल खलो गई है। ये चीज समझ आ गई है सोनिया, किसको जिनके तोप के गोले जाते थे अगस्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारों तक। अच्छा सर इलेक्शंस एक साथ नज़र आ रहे हैं या पंजाब में या केपीके में अलग अलग देख रहे हैं, इसका क्या जवाब आप देंगे? कौन देख रहा है, क्या क्या सवाल है आपका? इलेक्शंस जो हैं आप क्या देख रहे हैं इस चीज़ में? देख रहा हूँ, शायद आप देख रहे हैं। नहीं नहीं मैंने कहा मैं नहीं, आप क्या देख रहे हैं जायचे से जबर से? बात यह एक ही टाइम होगा इलेक्शन। अच्छा वफाक और सूबों का जो मैं पीछे बताता जा रहा हूँ बार बार, हाँ जी बताता जा रहा हूँ ना, बिल्कुल बता रहे हैं साथ साथ हम चल के इलेक्शंस एक ही टाइम पे, टाइम दोनों अब पीडीएम और जो है पीटीआई ये एग्री है एक टाइम पे, अंडरस्टैंड। अब बात महीनों का दिनों का चक्कर पड़ गया, जो पीटीआई अगस्त की तरफ है जी सर, अब ये जो है क्या कहते हैं हुकूमत सितंबर की तरफ है, तो मुझे खुशबू सितंबर की तरफ ही आती इलेक्शंस की एक और साथ ज्वाइन। अभी बात ही इसी साल सितंबर आहो सुने नहीं, वो भी क्लियर कर लें डेट के 2024-25 ना ना लोग समझ लें। हाँ अब बात ये है कि फलक आप ना मेरे माइंड को ना ख़राब कर, नहीं नहीं अच्छा आप करें बात, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ रहा था और आपने निकाल दिया, चलें सवाल करें बाप। नहीं आप बताएं, आप बताएं क्या बताएं, विजिट हो गया सर मैं डेट फाइनल कर रहा था आपसे। नहीं कौन आगे चल। अच्छा सर शेख रशीद साहब जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में गए हैं, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त फेवर में पीटीआई के नारे भी लगे हैं, उस वाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ बड़े अच्छे मामलात खुशगवार थे? देखो मैंने ये कहा कि खान जो है वो सिर्फ अब पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए है। मैंने कहा था वो खित्ते का सूरज है, वो पाकिस्तान का तो है वो मशरिक का सूरज है, ये कहा था मैंने कहा था पहले रिजीम चेंज में, जब मुल्क रिजीम चेंज नहीं मुल्क पाकिस्तान में वजारत उज़्मा के लिए मगरिब होती थी कि कौन आएगा, लेकिन मैंने कहा था मशरिक भी इस दौड़ में शामिल है। मैंने कहा
कि मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, ओवरसीज पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के हर मजहब रंग और नस्ल वाले लोग भी अब खान को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको मानते हैं कि ये ईमानदार दयानतदार शख्स है जी। तो किर्गिस्तान में आपने देख लिया, ये पूरी दुनिया में देखेंगे आप जी सर जी। अच्छा सर, अच्छा कुछ सर, लोगों के सवाल आते हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी हम जवाब दें, जफर से जो आप दे रहे होते जी 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 सर। अच्छा सर, बहुत से लोगों ने दुआएं भी दी हैं, बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। समार खान कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दें। सर आप ज़रूर लिखें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अच्छा अच्छा, जैड खान कह रहे हैं एम ए शहजाद साहब एक शरारती इंसान है। तो हम बच्चे भी तो थे ना बचपन में, तो बचपन में शरारतें करते थे ना, तो शरारतें याद है ना, तुम क्या अपने बचपन की शरारतें भूल गए हो। जी। अच्छा सर, मसूद अहमद हैं, सलाम सर, माई सन नेम इज़ यासीन मसूद, डेट ऑफ बर्थ 19/11/2002। कौन सा बिजनेस करना बेहतर है, स्टोन के बारे में बताएं। नाम वो तो बोलो, इन्होंने कहा है मेरा यासीन मसूद। अच्छा, ये ना इसमें ट्रांसपोर्ट्स में व्हीकल्स वगैरह में चले जाएं तो ये बेहतर है। मरजान का पत्थर पहने, ठीक है ठीक है। रमशा खान कोरल कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू मरजान। अच्छा, रमशा खान आईडिया अमीना नासिर नाम है, 20/11/2006, मदर का नाम मरियम नासिर, मेरी बेटी अमाना ए लेवल फर्स्ट का मतलब उसने पेपर दिए, आर्किटेक्ट ड्रीम है उसका, क्या वो आर्किटेक्ट कोर्स पढ़ेगी, बेहतर है उसके लिए। नाम बोला अमीना नासिर। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल जी इंशाल्लाह आप ये कराएं, बच्ची पास होगी। खालिद महमूद नाम है, वालदा का नाम गुलाम सकीना, डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1930। अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बस छड़ दे 1930 में, तो समझ नहीं आ रही गल। 1930 लिखा हुआ देखिए, 30 का मतलब क्या हुआ, 70 और 93 93 हो गया ना, और वो फ्यूचर पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहम्मद करीम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फलक, कन्वे माई रिगार्ड टू शहजाद साहब, प्लीज़ आस्क माई सन मिनाज कादरी, मदर का नाम है रूफा खातून, डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1997, एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग 9 मई को है, सीट मिलेगी या नहीं। ज़रा आगे ना ले जाओ, ज़रा दोबारा नाम बोलो। इन अस्सलाम वालेकुम फलक, कन्वे माई रिगार्ड टू शहजाद साहब, प्लीज़ आस्क माई क्वेश्चन, माई सन नेम इज़ मिनाज कादरी, मिनाज कादरी नाम है, मदर का नाम है रूफा खातून, 6/10/1997 9 मई। ठहर जाओ, बहुत गोल्डन चांस है। अच्छा, इफ्तखार साहब कह रहे हैं, इमरान इफ्तखार मेरा क्वेश्चन लें। सर इमरान इफ्तखार के हवाले से जफर से बताएं क्या हालात। बहुत बड़ा नाम है, निकलेगा आगे। लें सर क्वेश्चन, ले लिया। सामिया साइमा जीशान नाम है, 22/3/1979 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, मदर का नाम है जमीला खातून, फादर का नाम है जीशान, शादी कब होगी। डेट ऑफ बर्थ 22/3/1979। और नाम बोलो, नाम है इनका जिन्होंने लिखा है साइमा जीशान। अगले साल इंशाल्लाह, अगले साल हो जाएगी। इमरान माँ का नाम है सफ़िया बेगम, डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1987, जुमे को दिन ये पैदा हुई हैं। अपना घर कब बनाएंगे, स्टोन के बारे में बता दें। दोबारा नाम बोलो, इमरान नाम है, माँ का नाम सफ़िया बेगम है। इंशाल्लाह ये 2-3 सालों में तो कोई प्लॉट वगैरह प्रॉपर्टी आ जाएगी। पत्थर याकूत का पहने, जारी नहीं रख सकी। हाँ तो अब तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश करो एजुकेशन में जुड़ने की, ठीक है। तो सुबह अपना मेरा बेटा कोई भी फल जो उतरता है, कोई भी जिस मौसम का हो फल, वो लाजमी सुबह निहार मुँह खाया करो, ये आपकी जो इंटरनल स्टमिक वगैरह वाले मामले ठीक हो जाए इंशाल्लाह। समीना अहमद, अम्मी का नाम सुरैया है, 11/12/1969, मेरा वीज़ा लगेगा। अभी नहीं लग रहा, देखो 1-2 साल में इंशाल्लाह, ठीक है। नाम है यासिर अहमद, डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1972, मदर का नाम है खुर्शीद बेगम, सर हालात का बच्चे होंगे और मेरा सन तंग बहुत करता है, सन का नाम मोहम्मद अहमद है, 12/15/2005 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, मदर का नाम शबाना यासिर है। अच्छा, एक सवाल का जवाब मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने एक शख्स के 2 सवाल पढ़ लिए। हाँ जी, यासिर अहमद नाम है, 29/11/1972, मदर का नाम खुर्शीद बेगम है, हालात कब अच्छे होंगे। अगले साल से इंशाल्लाह हालात बेहतरी, ठीक है अगले साल से। मोहम्मद खलील अशरफ, वालदा का नाम है मरियम सुल्ताना, तारीख पैदाइश 1/1/1989, मैं शादी को 5 साल हो गए हैं, औलाद की नेमत नहीं है, क्या करूँ।
अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल औलाद होगी, और थोड़ी इतनी हील पहना करें, फ्लैट जूती नहीं पहनी, एक दो सालों में इंशाल्लाह खुश होगी। हमजा पासी के नाम से आईडी है, अस्सलाम वालेकुम, महविश लियाकत नाम है, वालदा का नाम नसरीन अख्तर है, तारीख पैदाइश है 25/9/1996, मेरी मंगनी की बात इमरान, वालदा का नाम रुखसाना बीबी से चल रही है, शादी कामयाब रहेगी? इमरान, इस लड़की का नाम बोलो। महविश लियाकत। अच्छी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अच्छी है जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह कामयाब करेगा, ये मैं शहजाद साहब की भी पेशन गोई है। अच्छा सर, बहुत से लोग कह रहे हैं माशाल्लाह खान साहब बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, वंडरफुल प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत दे रहे हैं। नाम है सर साजिद, सन ऑफ साजिद हुसैन, डेट ऑफ बर्थ है 30/9/2001, स्कूल वाली है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिज़नेस के लिए ठीक रहेगा? कर लो। कर लें जी। तैमूर बेग हैं 20/12/2000, जवाद इनका नाम है, तैमूर बेग आई डी का नाम है, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। आई डी मेरा तो नाम क्या है? जवाद। अगले सालों से इंशाल्लाह बेहतर है। सरदार गुलाम हुसैन, वालदा का नाम है नसीम अख्तर, 7/2/1993, हालात कब ठीक होंगे? अगले साल से, चले अगले साल। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन है, नाजिश अफजल, फलक बेटा और खान साहब आपको अल्लाह ताला खुश रखे, बेटे का नाम रहील अफजल है, डेट ऑफ बर्थ है 14/6/1990, माँ का नाम है, माँ का नाम आप दोबारा लिखें, नाम अमीना रहील है, इस बारे में अगर सर इनका बताएं इनका नाम से। बेटा अगला अच्छे साल आ गए इसके माशाल्लाह, रहील अफजल अगले साल से अच्छे हैं सर, आज की अच्छी बात। बेटा हिंदुस्तान में सुना, पता नहीं कल कोई खबर आई थी कि उधर फिर कोई नस्ल कशी, फिर लोगों को शहीद किया, मैंने सुना, आपने सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। ऐसा कुछ हुआ फिर कोई जुल्म ज़्यादती, अव्वल तो वो कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती वो कर रहे हैं, पता नहीं मैंने टीवी पे सुन रहा था किसी ने, आपके मतलब दौरे भी बहुत हैं हिंदुस्तान के, तो बात है बड़ी जुल्म ज़्यादती की कर रहे हैं वो रेगुलर। दो बातें मैं आपको बताऊं, बल्कि वो बात एक पेशेंट को ही बन जाएगी, वो बाद में बताएंगे। बात ये कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम की मैंने आपकी किसी व्लॉग पे एक बात की, हाँ जी, दारुल हरब वो होता है जहाँ मुसलमान की हुकूमत ना हो, और दारुल इस्लाम वो होता है जहाँ मुसलमानों की हुकूमत हो। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग मुल्क बन गए, तो उसके बाद उस वक्त जो मुस्लिम्स थे वहाँ पर उनके पास तकरीबन एक ही सीट ही थी, अब 7-8 है। तो बेसिकली वो नस्ल कुशी करते हैं कि ये कल को आएंगे पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे, ठीक है इनकी हुकूमतें होंगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दारुल हलब में ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जितने मर्जी शहीद कर लें, मुसलमान पैदा ही होते जाओ, अगर उधर आप 25 करोड़ तो 1 अरब हो जाओ, इंशाल्लाह इस्लाम का झंडा वहाँ से भी उठेगा। यही सर, बहुत अच्छी आपने बात की है, बहुत ही ज़बरदस्त, दिल खुश हुआ जो आपने अच्छी बात आज की है। एम ए शहजाद साहब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू देखी, अच्छी बात ज़बरदस्त किस्म की बताते हैं, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है, और सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चैनल नाज़रीन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, 1 लाख के करीब बस मैं हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करें ताकि 1 लाख मेरे कंप्लीट हो। कहूँगा तो होगा ना, अब कह देना फिर 1 लाख हो जाए। नहीं अगले व्लॉग में बताएंगे आपको। ठीक है नाज़रीन, एक आपको अनाउंसमेंट करूँ कि जिस दिन मेरे 1 लाख हो गए, एम ए शहजाद साहब 20 जायचे लोगों को फ्री बना के देंगे, ऐसा ही? मैं तो रोज़ 200-400 लोगों को फ्री बताता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन हमेशा से एक बात करता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का है, जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ फलक शेख और एम ए शहजाद साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह।